और भीम आर्मी कमेटी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत दी है, क्योंकि आज जो कि द्वाबा ही नहीं बलिया में जिसका झंडा फहरा है लगातार बुलंद रहा है, जन्मदिन है और कमेटी ने आज हमको तोहफा दिया है कि केक दिया है और कहा है कि भैया आज हमारे यहाँ भी एक छोटा सा नन्ना सा थोड़ा सा पार्टी हो जाए केक के माध्यम से ही। और कमेटी और साथ में जो भी गांव है ये परेशान करूंगा, सीधी सी बात है। परेशान मतलब उस वजह से नहीं कि जिससे आप लोग को दिक्कत हो, परेशान मतलब जो आज का माहौल बना हुआ है अभी का, हमारे छोटे भाई मनु जी मेरे वजह से थोड़ा सा विलंब हो गया। मैं इस चीज के लिए जो भी हमारे दर्शक दीर्घा में उपस्थित भाई मित्र चाचा जी बाबा जी जो कोई भी हो और हमारे यहाँ पे उपस्थित दोनों टीम, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग इस टीम के लिए अपने आप के लिए अब दोनों के अंदर जज्बा है जिस वजह से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और एक एक सुनहरा कह लीजिए, एक मूवमेंट है, एक क्षण है जो इत्तेफाक से हमारे कमेंटेटर हमारे छोटे भाई मिस्टर मनु जी जो आप लोगों के उपस्थित हैं, वो भी आज उनका जन्मदिन है 12 अगस्त का, तो मैं इनसे कुछ तहकीकात करना चाहूंगा, कुछ सवालात करना चाहूंगा, कुछ बात करना चाहूंगा। तो नहीं हो रहे हैं, मतलब गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं एनीबॉडी? कैप्टन, हेलो कैप्टन, बटे थोड़ा सा सबर तो कर सके एक खातिर हम बड़ भाई भैया के नाते हाथ जोड़ के विनती करो। मनु भाई स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बात ले जाएगा। चलो ठीक है, हमारे मुन्य माख्य रिबन काटे हुए मुख्य अतिथि मिस्टर रामजी राम, हमारे अनुज रामजी मास्टर साहब अपने हाथों से छोटे भाई मनु भाई का कटित होते हुए मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के विलंब के लिए, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा देर हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये मोमेंट ही ऐसा है, ये क्षण ही ऐसा है, यह समय ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। मोनू भाई हमारे लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए एसकेटी बलिया भैया संजय जी कोटि कोटि प्रणाम आपके भाई मनु कैलाश। हाँ दोनों कैप्टन एक बार आ जाइए, हेलो दोनों कैप्टन, दोनों कैप्टन दोनों टीम के कैप्टन आइए। भैया जी आपका नाम एक बार बताएंगे प्लीज। मुन्नन यादव भैया अपने कर कमलों द्वारा मनु भाई को केक खिलाते हुए, वाह ग्रेट ग्रेट प्लेजर, वाह भैया आप लोगों का प्यार व्यवहार प्रेम दुलार हमेशा यह ऐसा ही बना रहे, मैं ये भगवान से कोटि कोटि नमन करता हूँ। बड़े भैया हमारे भैया के नाम बताएंगे एक बार, तो वाह कितना नाम है, सावन का महीना चल रहा है और हमारे भोला भैया उपस्थित है, वाह ग्रेट प्लेजर। चलिए भैया ये मतलब कार्यक्रम का सिलसिला बीच बीच में चलता रहेगा, हम लोग टाइम को नहीं गवाते हैं,